अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह क्या बात है। हाउ मच पागल, वेरी मच पागल, वे व्हाट वे। मुझे ने अपने ऊपर लेबल तो मुसलमान का लगाया हुआ है, नाम तो इनके मुसलमान वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के लेबल वाले मुसलमान अपनी ही शादियों पे पूरी दुनिया के सामने नाचने से पहले भी और नाचने के बाद भी दुआएं खैर करते हैं। ਇੱਕ ਜੀਪ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ 40 ਬੀਟ ਇੰਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਗਮ ਸੈਟਿਆ। Hey guys, welcome back to our channel, channel Punjab Reality Extra, and today we're gonna react a video from Patla Brothers channel podcast। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਾਏ ਪਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਦਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਹਵੀਰ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ तो मैं गाना सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। ये बाजी है या बाजी इंसान वाकई पहले बंदर था। मैं तो कौन सा गाना, ऑफ कोर्स यू हैव अ टेल बोन, बंदर बैठ के। आई वाज डेटिंग माय हस्बैंड्स क्लास फेलो एंड ही टच्ड मी एंड पास कर जा तू ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੋਰਿਲਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਬਹਿਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਗੀਲੇ ਬਾਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਯਕੀਨ ਮਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਨ ਸੀ ਔਰਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋ, ਔਰ ਇਨਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। शराब अगर आपकी स्पीड पे ठीक होगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे शाहवीर जाफरी के पॉडकास्ट के बारे में, जिसमें वो मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाता है और जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। पिछले दिनों शाहवीर जाफरी के पॉडकास्ट में सिस्ट्रोलॉजी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वो एक सॉन्ग को गाने को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रही है। अच्छा एक गाना है वो, मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। हाउ मच पागल, वेरी मच पागल। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह क्या बात है। हाउ मच पागल, वेरी मच पागल, वे व्हाट वे। मुझे पता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद सिस्ट्रोलॉजी के निब्बे निबिया फैंस नीचे कमेंट्स में यही कह रहे होंगे, इकरा बाजी कितनी परहेजगार है, गाने में भी रब को ढूंढ लिया। रब से कनेक्ट करने के लिए लोग पांच नमाजें पढ़ते होंगे, ये पांच गाने सुनती होगी। नहीं साहब, आयात छोड़ के, हजारों अहादीस छोड़ के, 1,24,000 कमोपेश असहाब की जिंदगियां छोड़ के, इस बाजी को रब गाने में मिल रहा है। वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है। अरे भाई हो सकता मिल गया हो। यार ये रोस्ट करने का तरीका है ऑफ कोर्स, लेकिन वो दी पर्सनल राय है, वो ने किसी ना किसी तरीके उनु जड़ा उस चीज नु रिलेट किया है ना। उसकी पर्सनल फीलिंग पे अटैक नहीं कर रहा, हो सकता है उसको सॉन्ग्स में ही रब मिलता हो, लेकिन ये बात पब्लिकली कहने वाली नहीं भाई। छोटी बच्ची हो क्या? मुझे या किसी को भी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, मगर इस तरह की बातें अपनी शादियों में, फंक्शंस में, हर जगह पे, पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं करें, हमने रोका है करें, मगर उसको पब्लिक ना करें। वक्त ही वक्त है। अपनी लाइफ में जो कोई बंदा जो कुछ मर्जी करे, मगर जब वो किसी चीज को पब्लिकली पे कर देता है तो पूरे मुआशरे का हक है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको रोके। चल बस, लायक है क्या? जिस बंदे को मेरा ये पॉइंट समझ आ गया ना, तो मुबारक हो, आप मिच्योर हो गए हो। ठीक है, तरीका चलिया एक ना किसी का, कि जेकर तुसी सिस्ट्रोलॉजी दे डक्की बाई दे सब्सक्राइबर नहीं है, तो मुबारक हो, तुसी मैच्योर हो। महसूस कर तो कोई तरीका है भीख मांगने का? बाजी नू की हो गया, पागल तो नहीं हो गई? ऊपर से बाजी की आवाज भी बहुत प्यारी है, ये बाजी है या बाजा? बस भी कर, शिदाई लग रही है बाजी, बस कर। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? देखो इकरा बाजी, जो भी आपके पास गानों की प्लेलिस्ट है ना, वो अपने सब्सक्राइबर्स को बता दो, ताकि वो सारे गाने वो दिन रात सुने और रब को पहचान। इंसान वाकई पहले बंदर था, मैं तो कहती हूँ। Of course, you have a tailbone. ये क्या है? Of course, इंसान पहले बंदर था। तुम लोग इधर बैठ के ये साबित कर रहे हो। कैसी बात है, पॉडकास्ट में बंदर बैठ के इंसानों को ज्ञान दे रहे हैं और इंसान सुन भी रहे हैं। अरे यार, मुझे तो लगा था ये इंसान है, लेकिन ये तो खुद को जानवर कह रहे हैं। ये दुकान पे भी जाते होंगे तो दुकानदार आगे से यही कहता होगा, एक पैकेट कुत्ते के खाने के बिस्किट। यार खाइए या घर ले जाएं। ओ भाई, तुम लोगों की एवोल्यूशन हुई होगी बांदरों से, हम तो आदम की औलाद हैं, जो इस दुनिया के पहले इंसान थे। इस्लाम दे तो भाई, आप अपना देख लो, शायद आप बांदरों से ही हो, क्योंकि आप ये खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मजे की बात, ये बाजी और भाई साहब दोनों का रिलीजन इस्लाम है, और इस्लाम के मुताबिक हम सब आदम की औलाद हैं। तो बेसिकली ये बाजी और भाई साहब इस्लाम के इतने बड़े बिलीव को हिट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर लेबल तो मुसलमान का लगाया हुआ है, नाम तो इनके मुसलमान
आपको बता रहा हूँ, इस तरह के लेबल वाले मुसलमान अपनी ही शादियों पे पूरी दुनिया के सामने नाचने से पहले भी और नाचने के बाद भी दुआएं खैर करते हैं। जब ऐसे लोग मुआशरे में सरेआम अपने थॉट्स शेयर करेंगे जिनके ऊपर लेबल मुसलमान का लगा हुआ है लेकिन उनके बिलीव्स मुसलमानों वाले नहीं, तो आप खुद बताओ क्या होगा भाई? वही होगा जो अब हो रहा है। वाहिद इस्लामिक एट में ताकत होने के बावजूद हम हाथ पे हाथ धरे बस देखते रहेंगे कि आज फलस्तीन में इतने बच्चे मर गए। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। उसकी वजह यही है भाई कि पाकिस्तान में हुक्मरानों समेत अक्सर मशहूर और मुअज्जज शख्सियत जो है उनके ऊपर लेबल तो मुसलमान वाला, बिलीव मुसलमान वाले नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे और चिंपैंजीज के अंदर 2% डीएनए डिफरेंस है। चिंपैंजीज और इंसान जो है, अगर कोई एलियन आके हम दोनों को ऑब्जर्व करे ना, तो वो कहेंगे कि ये एक है। ओ भाई, एलियन को बुलाने की क्या जरूरत है, हम कह रहे हैं आप एक ही हो क्योंकि आप खुद ही ये क्लेम कर रहे हो कि आपके पूर्वज पहले बांदर थे। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। अच्छा, इसीलिए अपने व्लॉग्स में ये बांदरों की तरह हरकतें करते हैं। ओके, मस्त जोक। चिंपैंजीज हमारे ज्यादा क्लोजर कजन्स है वर्सेस गोरिल्लाज। चिंपैंजीज हमारे ज्यादा क्लोजर कजन्स है वर्सेस गोरिल्लाज। वो गोरिल्ला से ज्यादा दूर है, हमसे ज्यादा करीब। वो गोरिल्ला से ज्यादा दूर है, हमसे ज्यादा करीब है। डीएनए पॉडकास्ट में वो आने चाहिए, अगले पॉडकास्ट में आने चाहिए। अरे अगले में क्या, इसी में ऑलरेडी आए हुए हैं। इस पॉडकास्ट में चिंपैंजी के फर्स्ट कजन आए हैं, ऐसा करो अगले में गोरिल्ला को बुला लो, यानी किसी और डेली व्लॉगर को। अब ऐसा नहीं कि शाहवीर जाफरी के पॉडकास्ट में सिर्फ यही गेस्ट है जिनके दो मुंह में आ रहा बोलते जा रहे हैं। यहाँ पे अक्सर जो भी आता है वो खुले हुए दिल के साथ नहीं, खुले हुए मुंह के साथ आता है। I was dating my husband's class fellow and he ditched me. And I went all ghamgeen for a year or two. Okay. And my husband. मैं बहुत पसंद लग गया। Everybody knows it. इनके ख्याल में बड़ा फखर वाला काम है। नहीं, मैंने नहीं बता दिया। तराजियां पढ़ाई हैं। Husband का class fellow, dating, shitting, relationship, ये वो गाली कोई नहीं, इनके लिए piece of cake है। और अपने ऊपर label किस चीज का लगाया हुआ है, मुसलमान। इस तरह के label वाले मुसलमानों का यही हिसाब है, अगले दिन मुजरा, अगले दिन हाज पे चले जाते हैं, फिर अगले दिन आके फिर मुजरा। अभी सुबह भाई साहब के पॉडकास्ट में एक और मेहमान आया, जेड़ा भी ये दफा हुए। मोई जबान के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसके क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं अभी, और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा है। जहाँ जहाँ भी उसी पॉडकास्ट के क्लिप्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, नीचे पूरा कमेंट सेक्शन ऐसे ही भरा हुआ है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं शाबीर जाफरी के इस पॉडकास्ट का, उनको कैंसिल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। जैसा कि आप लोग सारे कमेंट्स वगैरह अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। चिंपैंजीज हमारे ज्यादा क्लोजर कजन्स है। अब ऐसे में लोग पता है कि उसको हेट कमेंट्स कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, क्योंकि ये एंटी इस्लामिक एलजीबीटी है ना, मुसलमानों वाला है, भी मुसलमान लेकिन है एंटी इस्लामिक। भाई मैंने पहले भी गुजारिश किया, बार बार यही बकवास करता हूँ कि अपने ऊपर से मुसलमान का लेबल हटा दो, फिर जो कुछ मर्जी करो। उसकी वजह यह है कि ये जो यंग न्यू जनरेशन है, बच्चे बचुंगड़े निबिया निबे बड़े हो रहे हैं, अच्छा वो सब इनको देखते हैं, और उनको क्या इमेज जा रहा है कि मुसलमान ये सारी हरकतें कर सकते हैं। और सिर्फ इमेज नहीं जा रहा भाई, यंग जनरेशन मोटिवेट हो रही है कि ये सारी चीजें करने से तो बंदा फेमस हो जाता है, माला माल हो जाता है, पैसे, सेलिब्रिटी बन जाता है, हीरो बन जाता है। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। आप देख लो हमारे पाकिस्तान में कौन हीरो है, कौन सेलिब्रिटी है, जो जितना बड़ा बगैरत है उतना बड़ा सेलिब्रिटी है। मुझे पता है ये मेरे अकेले के थॉट्स नहीं, पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो ये बातें करना चाहते हैं, ये बात है। और मुझे खुशी भी हो रही है कि अब लोग इन पे बातें करते हैं, पहले नहीं थे करते, अब करते हैं। स्वागत के उससे पहले और सुबह के नाश्ते का गीले बाल तक उन्होंने दिखाया। मैं इतना परेशान हुई जब मैंने उसको गीले बालों में देखा, यकीन मानिए मैं एक औरत हूँ, मैं शर्मिंदा हुई थी के शर्म की सारी हदें पार। अब मुझे नहीं पता उनका पीछे मकसद क्या है, नियत क्या है, लेकिन कुछ लोग इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। ये इंटरनेट पे डेली व्लॉगिंग के नाम पे पता नहीं कौन सी औरतें आ गई हैं, पता नहीं बता रही है मैं उठ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ, वो पता नहीं मेरी बीवी बाथरूम में लॉक हो गई, और इसको कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। अभी खड़ा हूँ वकील साहब के साथ, पिटीशन डालने जा रहे हैं इनके खिलाफ, और इनकी तो ऐसी तैसी करके रहूंगा मैं। ये भाई साहब जो भी है, मेरी इनसे गुजारिश है, ये पाकिस्तान है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पैसे और पावर की चलती है। बस आप ये एक्शन ले रहे हैं, फायदा कोई नहीं होना। फायदा तब होगा जब कौमी असेंबली में कोई कानून पास हो, और वो तो मुझे अगले 50 साल तक नहीं नजर आ रहा। खैर कोई बात नहीं, हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपना अपना हिस्सा डालता रहे बस। और आपका हिस्सा ये है कि आप इस वीडियो को कम से कम लाइक तो करें लेकिन शेयर भी करें। देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने सामने है, मैं जिदा थोड़ा अगे गया कि बहुत सारे लोग है जो व्लॉगिंग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग है जो व्लॉगिंग नहीं पसंद करते। कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, साडा अज विआह हो गया, साडा आ गया, साडा हो गया, हूं मैं उठ गया, हूं मैं चाह पी ली, हूं मैं
नाश्ते कर लिया, मैं चाह बिस्कुट पोके खाता, उस तो बाद मैं उधर चलिया। तो उस बाद कई जने ये चीजा करते हैं, कई जने कुछ क्रिएटिव चीज़ा दिखाने की कोशिश करते। देखो यार दुनिया है, दुनिया के जीना सारा कुछ ही चलना है, आपू चीज़ नहीं पसंद तो मतलब आप ब्लेम कर सकते हैं, अपनी ओपीनियन रख सकते हैं, पर कानूनी कार्रवाई वाला काम तो थोड़ा ज्यादा हो गया आई थिंक, तो क्योंकि साढ़े भी इधर चलन दिया भाई ये काम, तुम जिन्ना मर्जी रौला पा लो। हाँ ये है कि तुम वो अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम करते रहो, तुम उन्होंने रोस्ट करी चलो, तुम इदा दीडियो बनाई चलो, जो भी है ऑल दैट है ना। तो देखो जेडे इदा के ब्लॉग्स है जिन्हों के मैं उठ गया, मैं चाह पी ली, मैं आह कर लिया, हूँ मैं बूट पॉलिश कर ले, हूँ मैं इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हाँ, मैनू भी ये चीज़ नहीं पसंद। मैं डक्की बाई के ब्लॉग्स देखता, डक्की बाई के ब्लॉग्स मैं क्यों देखता, क्योंकि मैं लगता कि यार वो बंदा थोड़े एफर्ट्स करता, उदा एनर्जी लैवल है, वह हूँ सारा दिन तो नहीं ये चीज़ करता, ना ही वो अपनी कोई परसनल चीज़ा ज़्यादा शेयर करता, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता, वो आपको दिखाता ठीक है। तो बाकी होर व्लॉग मैं कई देखता नहीं गा, बहुत सारे व्लॉगर्स और भी थोड़े पाकिस्तान के काफ़ी फेमस फेमस है, लेकिन मैं वो नहीं देखता, मैं सिर्फ डक्की बाई के व्लॉग्स देखता। लेकिन कई लोगों को डक्की बाई के व्लॉग भी नहीं पसंद, एंड जिते व्लॉग का ठप्पा लग गया लोग समझते कि यही व्लॉगिंग है, नहीं व्लॉग का मतलब की होंगे वीडियो लॉग, वीडियो लॉग की होंगे डॉक्यूमेंट्रीज जिदे विच तुहानू कोई इनफॉर्मेशन मिल रही है। अगे आप वड्डे वड्डे आर्टिकल्स पढ़ते सी जिन्हां नू ब्लॉग कहिंदे सी ठीक है, तो उहदे विच की होंदा सी वड्डे वड्डे आर्टिकल सी, आपां नू एक पर्टिकुलर टॉपिक ते इनफॉर्मेशन मिलती सी। कोई बंदा कितें घूमन जा रहा उहे दस रहा हो कि इत्थे किवें जाणा, इत्थे किहड़ी ट्रेन जांदी है, किहड़ी फ्लाइट है, किहड़ा राह, मौसम किद्दां दा, उत्थों दी स्पैशलिटी की है, खाने में कि चीज़ वधिया, तुसी केड़ी केड़ी थावां ते घूम सकते हो, ये सारिया चीज़ा जेकर कोई बंदा वीडियो दे विच बनाउंदा तां उहनू कहा जा सकदा व्लॉग, एक चंगा व्लॉग ठीक है, एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री जिहड़ी रिकॉर्ड कीती है डॉक्यूमेंटेड आ, उह चीज़ उहनू आपां कह रहे हैं वीडियो दा लॉग मतलब व्लॉग ठीक है। तो लेकिन जे कर रहे हुण बंदा भी दुनिया ने इस चीज़ तो की सीखना है कि मैं हुण उठ गया, हुण मैं सिर धो के आई हाँ अज, तो अज मैं हुण चाह पीण लगी हाँ, तो हुण मैं मतलब यार असं की करिए है ना वो चीज़ा। तो लेकिन थोड़े तो कुछ भी नहीं, तुसी पंजाबी ब्लॉग साढ़े इधर ले आके देखो, छोटे छोटे निब्बा निब्बी, छोटे छोटे बच्चे बच्चे, छोटे एडे एडे वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, एंड लिटरली वो रिलेशनशिप च रेंदे आ, तो फिर उन्होंने बखरे भी हो जाते, ब्रेकअप हो जाते, फिर ऑनलाइन रोना धोना भी चलता, बड़ा कुछ होया पाया आ भाई उत्या पाया भरावा, सही दसा तो थोड़ा व्लॉगिंग के नाम से बहुत ज़्यादा जिहड़ी एक नैगटिविटी फैल रही है ठीक है, जिहड़े छोटे छोटे बच्चे उन्होंने ज़्यादा असर हो रहा व्लॉगिंग का। बाकी इस चीज़ नाल मैं सहमत हाँ, पर कई चंगे व्लॉगर्स भी है, उन्होंने देखो, उन्होंने सपोर्ट करो, बाकियों खिंच के रखो। सो इस वीडियो थोड़ी कमेंट करके दस्यो, तो जाने तो पहले चैनल सबसक्राइब कर लियो। मिलते हैं अगली वीडियो, सत श्री अकाल।